इस समय चारों ओर दिवाली की धूम है। आम से लेकर खास तक हर कोई दिवाली को लेकर काफी उत्साहित है। सेलेब्स के घर में इन दिनों दिवाली पार्टी की धूम है। कभी किसी सेलेब के घर पर सितारे सज धज कर पहुँच जाते हैं तो कभी किसी के घर। इस पार्टी की शुरुआत आयुष्मान खुराना के यहाँ से शुरू हुई। इसके बाद कृति सनन, रमेश तौरानी और फिर मनीष मल्होत्रा ने दिवाली पार्टी का आयोजन किया। मशहूर फैशन डिजाइनर की पार्टी में बॉलीवुड के तमाम सितारों ने चार चांद लगाए। इस दौरान अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर भी नजर आए। आदित्य रॉय कपूर और अनन्या पांडे के बीच अफेयर की चर्चा जोरों पर चल रही है। मनीष मल्होत्रा की पार्टी में दोनों पहली बार एक साथ नजर आए और तस्वीरें भी खिंचवाई। यूजर्स की भी नजर इस दौरान लव बर्ड्स पर पड़ी, जो हाथों में हाथ डाले नजर आ रहे थे। आदित्य और अनन्या का साथ में पोज देना पेपराजी को भी काफी पसंद आया। बता दें कि कॉफी विद करण के चैट शो पर इन दोनों के अफेयर की चर्चा भी जोरों शोरों पर थी। अब दिवाली पार्टी में एक साथ तस्वीरें खिंचवा कर इन दोनों ने इस अफवाह को हवा दी है। इन दिनों आदित्य रॉय कपूर अपनी शादी को लेकर भी चर्चा में है। दरअसल कुछ दिन पहले वरुण धवन की माँ ने कहा कि वो आदित्य के लिए लड़की ढूंढेंगी। वहीं दूसरी तरफ दिवाली पार्टी में आदित्य और अनन्या एक साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आए। हालांकि दोनों ने किसी भी तरह की कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन इस तरह उनको साथ देखकर फैंस भी हैरान रह गए। अनन्या और आदित्य ने ब्लैक कलर के आउटफिट कैरी किए हुए थे। अनन्या ने ब्रालेट के साथ प्लाजो पैंट पहनी हुई थी और उसे ब्लैक शर्ट के साथ कैरी किया था। वहीं दूसरी तरफ आदित्य रॉय कपूर ब्लैक कुर्ते पैजामे में नजर आए। आदित्य रॉय कपूर और अनन्या पांडे की डेटिंग रूमर्स के बीच फैंस ने उन्हें अदिया नाम दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज साइट। धन्यवाद।